एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आज हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कन्वेंशनल बताया था, जिन्होंने नहीं देखा था तो एक बार वो देख ले, इससे आपको नॉन कन्वेंशनल और अच्छी ढंग से समझ में आएगा। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? पहले हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल, आखिर इसका मतलब क्या होता है। नॉन कन्वेंशनल को अगर कहा जाए, हम कह सकते हैं कि ये गैर पारंपरिक हो, जो कि हमेशा या बहुत लॉन्ग समय से यूज़ नहीं होता हुआ आ रहा था। कन्वेंशनल का जस्ट ऑपोजिट है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जो जनरल यूज़ में आ रहा है और बहुत समय से यूज़ होता हुआ आ रहा है। बट नॉन कन्वेंशनल क्या हो गया कि जो गैर पारंपरिक है, जो कि बहुत समय से यूज़ नहीं होता हुआ आ रहा है या जो कॉमन यूज़ में नहीं था। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जो एग्जांपल है बेस्ट, वो है सोलर एनर्जी। ये देख सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी। अब एक बार हम देखते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स का यूज़ करने की ज़रूरत कहाँ महसूस हुई। कन्वेंशनल सोर्स था, जिसकी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था वो क्या था, डैट वाज इन लिमिटेड, वो एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल थी। उसके साथ ही साथ लिमिटेड तो थी ही और नॉन रिन्यूएबल भी थी। किसकी बात कर रही हूँ मैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। वो लिमिटेड थी और नॉन रिन्यूएबल थी। नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो अगर ख़त्म हो जाए उन्हें बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एक सब्स्टिट्यूट तो चाहिए कि जिससे हम एनर्जी ड्रॉ करें और जो अनलिमिटेड अमाउंट में हो, जैसे कि ये कन्वेंशनल लिमिटेड में था और नॉन रिन्यूएबल था, ठीक है। ये दोनों ड्रॉबैक्स थे किसके, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो वहीं से नीड अराइज हुई कि कोई ऐसा रिसोर्स हो जो कि लिमिटेड भी ना हो और जिसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो उस ड्रॉबैक का जो सॉल्यूशन निकला वो था हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड अमाउंट में हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये रिन्यूएबल है। तो ये जो दो ड्रॉबैक थे हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज से, वो रिकवर हो गए, ठीक है। अब आते हैं, there is a need for using non-conventional sources because increasing use of fossil fuel is leading to its shortage। जैसा कि मैंने बताया है अपने previous video में कि जो fossil fuels होते हैं, for example coal, petroleum and natural gas, इनको बनने में millions of years लग जाते हैं, जिससे और लेकिन जो इनका जो use होता है वो बहुत ही fast rate में use हो रहा है, इस वजह से इसका shortage हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कम पड़ रहे हैं, लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, नीड्स बढ़ रही है, लेकिन फोसिल फ्यूल तो लिमिटेड ही है। सेकेंडली क्या है, एक और ड्रॉबैक था, एक तो लिमिटेड थे, नॉन रिन्यूएबल थे, और तीसरा क्या था कि ये पॉल्यूशन करते थे, इट लीड्स टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और सबसे मेन रोल जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में, हम ये भी कह सकते हैं, जो नेचुरल गैस की मैंने बात की थी वीडियो में अपने प्रीवियस, जो कि इज़ अ एग्जांपल ऑफ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये नेचुरल गैस का जो यूज़ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। बट जब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स की बात करें तो इससे कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं ये तीन फैक्टर्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। पहला अनलिमिटेड है, दूसरा रिन्यूएबल है, तीसरा पॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सोलर एनर्जी। हाँ, सोलर एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी हम सन का रेज यूज़ करते हैं, क्या चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि सन से जो हम एनर्जी लेते हैं, डैट इज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर, कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। दिस टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये जो सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है ना, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वर्ल्ड के,
ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे सन की किरणें सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में, और सबसे ज़्यादा समय के लिए पड़ती है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा सन की किरणें पड़ेंगी उतनी ज़्यादा वो सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। अब देखिए, सोलर एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो कैसे होता है, ये देखिए, इस तरह के है ना सोलर सेल्स बनाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ना इस तरह से ऐसे ना रेक्टेंगल फॉर्म में प्लेट्स रहते हैं, ठीक है? ये बहुत सारे प्लेट्स मिल के एक पूरा लार्ज सोलर पैनल बना लेते हैं। ये पूरे प्लेट्स, अगर बहुत सारे कंजिक्यूटिव प्लेट्स लगे हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सोलर पैनल, ठीक है? अगर एक प्लेट हुआ तो सोलर प्लेट कहते हैं हम। तो ये सारे प्लेट्स लगा दिए गए, ठीक है, उस एरिया में जहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली फॉल कर रही है। इस तरह से सूर्य की किरणें इस प्लेट्स में फॉल कर रही है। अब क्या है, ये सोलर प्लेट्स, ये सूर्य की किरणें में प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? तो ये सारे प्रोटॉन्स आ रहे हैं कहाँ पे? ये सोलर पैनल में। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सोलर पैनल्स होते हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने रहते हैं, ठीक है? कौन से? सेमीकंडक्टर मटेरियल के, ठीक है? तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के जो सोलर पैनल बने हुए, तो सूर्य की किरणें से जो प्रोटॉन आ रही है, क्या आ रही है? प्रोटॉन, ठीक है? तो ये सबको है ना कैप्चर कर लेते हैं, ये हम कह सकते हैं सबको इकट्ठा कर लेते हैं इस प्लेट्स में, ठीक है? फिर सारे प्लेट्स में प्रोटॉन इकट्ठा हो गए, ठीक है? अब ये प्रोटॉन, ये सोलर पैनल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट किए गए, इनका पूरा सेटअप है यहाँ पे। और ये सोलर प्लेट से जो प्रोटॉन्स इकट्ठा होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए जाते हैं उस प्रोटॉन का यूज़ करके। आपने देखा होगा आजकल ये जो सोलर एनर्जी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी बिल्डिंग्स में ये सोलर पैनल्स पूरे उनके टेरेस में बना दिए जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर सके। कहाँ से? सन का यूज़ करके, क्योंकि सन से एनर्जी हमें अनलिमिटेड मिल रही है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? और बहुत ही इकोनॉमिकल भी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंस नहीं जाता है। एक बार अगर आपने सोलर पैनल सेटअप कर लिया तो सूर्य की किरणें तो हमेशा आनी ही आनी है, ठीक है? तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, रिन्यूएबल होता है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये जो मेथड है सोलर एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंट है ना एरियाज़ ऑफ लाइफ, डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करना आजकल सब मतलब सारे स्फेयर्स में हो रहा है। दूसरा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यानी विंड का यूज़ करके जो हम एनर्जी ड्रॉ करते हैं, तो विंड इज़ आल्सो एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनएग्जॉस्टेबल यानी कि जो कभी एग्जॉस्ट ना हो, जो कभी एग्जॉस्ट ना हो, यानी जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है? दीज आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड माउंटेन पासेज वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी विंड इज ब्लो। अब देखिए, विंड एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, ये जो प्लांट सेटअप होंगे, ये जो विंड एनर्जी के एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्लांट सेटअप होंगे, ये ऐसी जगह सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे विंड है ना बहुत ज़्यादा ब्लो करती हो। तो विंड सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कहाँ ब्लो करती है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं। कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं कि वैसी एरिया जहाँ पे लैंड, ये हो गया लैंड और ये हो गया वाटर, लैंड और वाटर का मीटिंग पॉइंट हो। ये है हमारा लैंड, ये है हमारा वाटर, इसका मीटिंग पॉइंट है ये, ठीक है? यहाँ पे लैंड ख़त्म हो रही है और यहाँ पे सी शुरुआत हो रही है। तो ये जो रीजन्स हम देख रहे हैं, ये पूरे कोस्टल एरियाज़ है। अब देखिए, इस कोस्टल एरियाज़ में ये पूरे विंड मिल वाले ना पूरे सेटअप किया गया है, ठीक है? द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो विंड मिल के जो आप इस तरह से सेटअप देख रहे हैं, इसमें इस तरह से इसके फैंस बने हुए हैं, ठीक है? ये हम कह सकते हैं ब्लेड बने हुए हैं, ये सब ब्लेड्स हैं। अब यहाँ पे कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में विंड बहुत स्पीडली ब्लो करता है। अब जैसे हवा चलेंगी तो जाहिर सी बात है ये इस तरह के ब्लेड फॉर्म में है तो ये रोटेट होने लगेगा, और विंड बहुत तेज़ी से बहती है कोस्टल एरियाज़ में तो ये जो ब्लेड्स बनी है, ठीक है, ये ब्लेड्स बहुत हाई स्पीड से रोटेट करने लगेगी। और ये जो विंड मिल है इसके यहाँ पे डाउन पोर्शन में ये सारे किससे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड टू अ जनरेटर। जैसे ये जितनी स्पीड से ये ब्लेड्स रोटेट होना शुरू होगी तो डैट विल लीड टू द जनरेटर टू गेट स्टार्ट, ठीक है? ये स्पीडली ना रोटेट होने लगा, यहाँ पे जनरेटर
ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जिससे हम डिफरेंट फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैंने विंड का यूज़ करके एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ किया जाता है वो स्पेन में किया जाता है, जर्मनी में, नीदरलैंड में, डेनमार्क में, यूके, यूएस, ठीक है। ये मतलब ये दे आर नोन फॉर देयर है ना विंड एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि ये विंड का एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करने के लिए। दूसरा है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर भी हमारा इसी कैटेगरी में आएगा। न्यूक्लियर पावर में क्या होता है? न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एसेट्रा, ठीक है। बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ठीक है। इस मान लीजिए ये यूरेनियम है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये सब जो मटेरियल है, मान लीजिए यूरेनियम है, ठीक है, तो मान लीजिए इसके न्यूक्लियस में पावर मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसलिए हमें न्यूक्लियर पावर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह थोरियम भी होता है। अब मैं ये डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी कि कैसे यूज़ होता है। दिस फ्यूल अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर। अब देखिए ये है हमारा रिएक्टर वेसल, ठीक है, जो कि देख रहे हैं इसमें बहुत सारे रॉड्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पंप है। इस वेसल में हम क्या डालते हैं? अपना यूरेनियम हो गया, जो भी नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमेशा नेचुरली अकरिंग होते हैं, मैन मेड नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस कंटेनर में हम क्या डाल देंगे? ये मटेरियल्स डाल देंगे, यूरेनियम, थोरियम, ठीक है। ठीक है, इस मटेरियल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पावर स्टोर है। अब ये क्या है? यहाँ से इस वाले वेसल में जाएगा, ठीक है। इस वेसल में ये जब मटेरियल जाता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फीजन। क्या पढ़ते हैं? ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फीजन, ठीक है। इसमें क्या है कि एक न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट्स में जब स्प्लिट होता है उसे हम न्यूक्लियर फीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। और जब ये प्रोसेस होता है कि ये एक मटेरियल है, न्यूक्लियस है, जो बहुत सारे मटेरियल में स्प्लिट हो रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस में या बहुत सारे उसके छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, तो हम उसे उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये जब स्प्लिट होता है तो ये बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी ना प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्प्लिट होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिस वजह से ये टर्बाइन है, ठीक है, एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हुआ तो वो एनर्जी क्या करता है? इस टरबाइन को मूव करता है। ये टरबाइन बहुत स्पीड में मूव करता है जिस वजह से ये टरबाइन का जो लास्ट एंड पॉइंट है ये एक जनरेटर से कनेक्टेड है। तो जैसे ये टरबाइन ना मूव करता है बहुत ज़ोर से तो ये जनरेटर क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जनरेटर ऑन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी का हम है ना अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी की। लेकिन जियोथर्मल में बात करने से पहले हम देख लें कि ना इंडिया में कहाँ कहाँ आप कह सकते हैं कि थर्मल न्यूक्लियर पावर यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है। तो राजस्थान आप देख सकते हैं कहाँ है, यहाँ आपका गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में थोरियम जो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो नेचर के द्वारा बनाया जाता है एलिमेंट, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि यूरेनियम हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर नेचर की जहाँ बात करें तो वहाँ के ना नेचुरली अकरिंग एरिया जो है इंडिया में, वहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहा जाता है यहाँ पे ना यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पे यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे यूरेनियम का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और झारखंड भी ऐसा जगह है, ठीक है, कि यहाँ पे भी पाई जाती है बहुत ज़्यादा यूरेनियम। थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। अब देखिए ये जो थोरियम है ना, ये भी एक है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ है ना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन ये जो थोरियम है ये मोनोजाइट सैंड्स में ही पाया जाता है, ये मोनोजाइट सैंड्स है, ठीक है, उसमें थोरियम पाया जाता है। तो ये सैंड किस जगह पाया जाता है? ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। साउथ इंडिया की किस जगह में? केरला में पाया जाता है, ठीक है। यस।
अब हम बात करेंगे जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, जियो थर्मल। अब नाम पे ध्यान दीजिएगा, जियो थर्मल हीट एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियो थर्मल। जियो का यूज कर रहे हैं, जियो यानी अर्थ, ठीक है, अर्थ से, अर्थ के हीट, थर्मल का मतलब हीट, अर्थ से जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे जो एनर्जी हम लेते हैं उसे हम कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियो थर्मल एनर्जी। दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग एसेट्रा, ठीक है। हीट एनर्जी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, बाथिंग करते हैं और एसेट्रा। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियो थर्मल पावर प्लांट। अगर जियो थर्मल की बात की जाए तो पूरी कंट्री में, ठीक है, यूएसए सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे ज़्यादा पावर प्लांट है ना यूएसए के पास है, लेकिन जब इंडिया में आते हैं तो जियो थर्मल पावर प्लांट बेसिकली देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में ही है और एक पूगा वैली है लद्दाख, वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए जियो थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, चाहे मैं है ना न्यूक्लियर पावर की बात करूँ, चाहे हाइडल पावर की बात करूँ, चाहे जियो थर्मल में, वहाँ हर जगह टरबाइन का यूज़ किया जाता है, उस टरबाइन के एंड में जनरेटर का यूज़ किया जाता है। बस चेंज क्या होता है, सोर्स। सोर्स कहाँ, देखिए हाइडल में क्या मैंने बताया था, हाइडल पावर में वाटर का यूज़ हो गया था, न्यूक्लियर पावर में ना न्यूक्लियर नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि न्यूक्लियस का यूज़ हुआ था। अब आया जियो थर्मल में, जियो थर्मल में किसका यूज़ हो रहा है, अर्थ का यूज़ हो रहा है। क्या एज अ सोर्स, मतलब सब में प्रोसेस सेम है, लगभग सब में टर्बाइन है और जनरेटर कनेक्टेड है, फिर वहाँ से ये सेटअप है जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है और वेरियस ना एरिया ऑफ फील्ड में यूज़ हो रही है, लेकिन सोर्स क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सोर्स क्या है, मेरा अर्थ है, ठीक है। अब ये देखिए ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस में हमने यहाँ पे एक पाइप इंसर्ट की, प्रोडक्शन वेल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे हमने इंजेक्ट की ये प्रोडक्शन वेल, अर्थ के बिल्कुल डीप में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया अपनी स्लाइड्स में, अपने पहले की वीडियोस में, आई मीन कि जो अर्थ होता है, अर्थ के हम जैसे ही अंदर जाते हैं, जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है अर्थ का, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सरफेस इंक्रीज़ होता जाता है। क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है यानी हीट ज़्यादा होती जा रही है, तो उस हीट का यूज़ कर रहे हैं हम क्या चीज़ करने में, ये टरबाइन को रोटेट करने में, क्योंकि टरबाइन जितना ज़्यादा रोटेट होगा, ठीक है, जितनी स्पीड से रोटेट होगा, ये जनरेटर क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही जनरेटर ऑन होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये तो हो गई जियो थर्मल की, ठीक है। टाइडल एनर्जी की अब हम बात करेंगे, टाइडल यानी टाइड्स। अब आप सोचिए टाइड्स का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, आपने टाइड पढ़ा होगा, हाई टाइड लो टाइड, जो समुद्र में वेव्स होती है, ठीक है, कई बार हाई होती है कई बार लो होती है, ठीक है। तो जो हाई होती है हम उसे हाई टाइड कहते हैं और जो लो होती है हम उसे लो टाइड कहते हैं। तो उस टाइड का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, अब आप सोचिए अगर हम टाइड का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करें तो जाहिर सी बात है जो टाइडल एनर्जी का जो प्लांट सेटअप होगा वो कोस्टल एरियाज़ में होगा जहाँ पे पानी होगी, ठीक है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, वेरी सिंपल। डैम्स आर बिल्ड एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी ड्यूरिंग हाई टाइड, द एनर्जी ऑफ द टाइड इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये समुद्री इलाके में जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे रिवर है, वहाँ पे डैम बनाया जाता है, ठीक है। उस डैम जैसा आप देख रहे हैं, ये डैम का एक सेटअप पूरा है टाइडल एनर्जी का। वहाँ पे क्या किया जाता है, एक टर्बाइन बनाई गई, ये आप देख सकते हैं टर्बाइन है, जैसे कि विंड एनर्जी में था ना हमारे ब्लेड्स बने हुए थे, इस तरह से विंड एनर्जी में क्या था, एक ऐसी रॉड थी और ऊपर इस तरह से तीन ब्लेड्स बने रहते थे, तीन या चार आप जैसे करो, बेसिकली तीन ब्लेड्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी टाइडल एनर्जी में ब्लेड्स बनाए गए हैं, ठीक है, और वो ब्लेड्स अंदर इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है, और फिर वो ब्लेड से क्या कनेक्टेड है, मेरा टर्बाइन, ये मेरे ब्लेड्स थे यहाँ पे, ठीक है,
ये मेरा टरबाइन है, ये टरबाइन रोटेट कैसे होगा, इस ब्लेड्स के मूवमेंट से। तो यानी यह हाई टाइड आई, बहुत सारे प्रेशर के साथ आई, इस ब्लेड को रोटेट करेंगी। इस ब्लेड के रोटेशन से ये टरबाइन भी मूव करेगा, टरबाइन मूव करेगा, जनरेटर ऑन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये टाइडल एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी कंट्री करती है? रशिया करती है, फ्रांस करती है, अपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में और उसका कंजप्शन के लिए। लेकिन जब इंडिया में बात करें तो हम कहेंगे कि गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, ये आप देख रहे हैं गुजरात है ये हमारा। ठीक है, ये गुजरात में टाइडल एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आप जाहिर सी बात है, ये जो मेरा गल्फ एरिया है गुजरात का, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा गल्फ एरिया है, दिस इज़ माई गल्फ एरिया, ये पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे पूरा टाइडल एनर्जी का सेटअप किया गया, प्लान सेट किया गया इस एरिया में, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये रेड डार्किन किया है, यहाँ पे सेट किया गया है। ठीक है, गल्फ एरिया में। अब आप सोचते होंगे कि गल्फ क्या होता है, तो चलिए गल्फ के बारे में मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ, कि आपको ये वीडियो में कुछ भी ऐसा कोई टर्म ना हो मेरे ना वीडियो में, कि जो आपको समझ में ना आए या आपको कुछ वैसा लर्न करने की ज़रूरत करे पड़े। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, कुछ याद करने की आपको ज़रूरत ना पड़े इन सब चीज़ों में। तो गल्फ क्या होता है? गल्फ इज़ अ डीप इनलेट ऑफ सी सराउंडेड बाय लैंड विथ अ नैरो माउथ। ठीक है, गल्फ उस एरिया को कहते हैं जो कि एक इनलेट होता है ऑफ द सी और वो डीप होता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे क्या था? अरेबियन सी था ना, यहाँ पे अरेबियन सी, ये सी का ये पैसेज में गया, एक डीप पैसेज में गया, तभी तो यहाँ पे गुजरात आप देख रहे हैं, ये लैंड है, ये डीप पैसेज में गया और यहाँ पे सराउंडेड बाय लैंड है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये एरिया है सी का, दैट इज सराउंडेड बाय लैंड, ये सब एरिया सराउंडेड बाय लैंड है, तो इसी को हम गल्फ कहते हैं। इसी तरह ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बहुत सारे गल्फ है ना, बहुत सारी कंट्रीज बनाती है। ठीक है, बट इंडिया में आप याद रखिएगा, गल्फ ऑफ कच्छ है जहाँ पे टाइडल एनर्जी जनरेट की जाती है। अब हम अपना सबसे लास्ट वाले में आएंगे एनर्जी में, जो कि है बायोगैस। बायोगैस आजकल बहुत ही वाइडली यूज़ हो रहा है इंडिया में, और हम कह सकते हैं बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे बायोगैस का बहुत ना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, और मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो बायोगैस इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अमंग ऑल, क्योंकि ये ना केवल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर रहा है। इन्वायरमेंट में जो वेस्ट है उस वेस्ट को बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है। अब देखेंगे कैसे क्लीन कर रहा है। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैशियस फ्यूल कॉल बायोगैस। बायोगैस यानी कि वो गैस प्रोड्यूस करना, किसका यूज करके? जो बिना पेड़ पत्ते सूख गए हैं, जो जानवर मर चुके हैं, और जो हमारे किचन का वेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, ये जो है ना ऑर्गेनिक वेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट, इसमें कोई भी इनऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि पॉलिथिन वगैरह होते हैं या प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, ये सब वेस्ट नहीं, जो हमारा किचन वेस्ट में होते हैं ना, जो फूड मटेरियल होते हैं, जो वेजिटेबल्स हम कट करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं किचन वेस्ट में, वो सब यूज़ करके हम क्या बायोगैस जनरेट करते हैं, और उस बायोगैस का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरह से है ना इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हुआ ही, साथ ही जो वेस्ट था, ठीक है, वो वेस्ट को हमने बहुत अच्छे ढंग से यूज़ किया, इन्वायरमेंट भी क्लीन हुआ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर। अब हम देखेंगे ये पूरा सेटअप है बायोगैस का, ये क्या है? एक बायोगैस डाइजेस्टर है, ये हम कह सकते हैं एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हम सारे अपने ऑर्गेनिक वेस्ट डालेंगे, जैसे एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट जो भी है ना, एनिमल के जो यूरिन वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे एनिमल वेस्ट, जो भी क्रॉप्स के, जो मैंने बताया था क्रॉप के जो वेस्ट होते हैं, जो रेसिड्यूज़ होते हैं, बचे हुए टुकड़े, वो एनिमल के जो बचे टुकड़े होते हैं, वो जो मर चुके जानवर या जो भी ना पेड़ पेड़ पौधे जो सूख गए हैं, जो फसलें खराब हो चुकी है, जिसे हम ना वेस्ट मटेरियल कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये सारे वेस्ट मटेरियल जो कि ऑर्गेनिक हो, उसे इस कंटेनर में हम डाल देते हैं। ठीक है, अब इस कंटेनर में क्या होता है कि इस कंटेनर में ये सारे मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं।
ठीक है, विथ टाइम द ऑर्गेनिक वेस्ट गेट डिकम्पोज, और वो इस वेस्ट को डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया। ठीक है, इस सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में किसकी मदद होती है? बैक्टीरिया की होती है। ठीक है, दिस गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बायोगैस इज यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एक्सेट्रा। अब जब बायोगैस की बात करेंगे, अब हम गैस ये सब तो चलिए बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया ऑर्गेनिक वेस्ट को, फिर वो ऑर्गेनिक वेस्ट से डिकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ पे गैस फॉर्म हुआ, ठीक है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। वो गैस यहाँ आउटलेट पाइप है, यहाँ से निकलता है, फिर उसका हम यूज़ करते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उस गैस से, फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर बायोगैस की बात करें तो ये जो गैस बन के आता है किससे बन के आता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन से जो बायोगैस बन के आता है, तो वो बायोगैस में कुछ ना कुछ तो कंटेन करता होगा, जाहिर सी बात है। तो उसमें क्या कंटेन होता है? जो सबसे मेन चीज़ जो ये गैस कंटेन करता है सबसे मेजर अमाउंट में, वो है मीथेन सबसे पहला, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड करता है यूज़, होता है इस बायोगैस में। तो ये सारे हो गए हमारे रिसोर्सेज की बात, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने ना एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर लिख दें कि आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक में आपको डाउट है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।